साथियों आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ पचहत्तर वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे उन सपनों को सेलिब्रेट करना उन सपनों को परिपूर्ण करना उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा उसकी ऊर्जा बढ़ाई किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया इसलिए आज जब आया हम आजादी के पचहत्तर वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े आप देखिए अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते आठ वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं नवीन काम करने का प्रयास किया है इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी उन्होंने देश के विकास को गति दी है देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया पक्के घर बिजली गैस पानी मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई हमारे नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी एक्सक्लूरिड थी उसका इंक्लूजन हमने मिशन मोड पर किया फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला